गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय जाएंगे, विभिन्न मुद्दों को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। आम आदमी पार्टी ने विधायकों ने दिल्ली विधानसभा में पूरी रात दिया है धरना, एलजी को हटाने की मांग को लेकर विधानसभा परिसर में धरना। हेमंत सरकार के खिलाफ रांची में जोरदार प्रदर्शन, बजरंग दल ने पुतला जलाकर जताया है विरोध, दुमका की बेटी के खिलाफ के लिए इंसाफ की लड़ाई तेज। सोनाली मौत मामले में गोवा सरकार ने हरियाणा सरकार को सौंपी है 15 पन्नों की रिपोर्ट, सीबीआई जांच को लेकर अब दोनों सरकारें लेंगी फैसला। लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी का बड़ा दावा, 2024 में बीजेपी सभी सीटों पर जीत दर्ज एक बार फिर से दर्ज कर एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाएंगे। नोएडा में ट्विन टावर का मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी, ब्लास्ट के बाद करीब 80,000 टन का जमा है मलबा, 3 महीने का लग सकता है वक्त। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सर्वे की मांग को लेकर दाखिल अर्जी को 4 महीने के अंदर तय करने का निर्देश। यूपी के मुरादाबाद में सामूहिक नमाज पर बोले एसपी, सांसद एसटी हसन, कहा ये कोई विवाद नहीं, गांव के लोगों से कर रहे हैं बात, मिलकर निकालेंगे समाधान। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय में रामायण पाठ को लेकर सियासत तेज, छात्र छात्राओं ने क्लासरूम में किया रामायण का पाठ। इस्लामिक मिशन स्कूल में हिंदी नहीं पढ़ाने के सवाल पर बच्चे को स्कूल से निकाला गया, नाराज परिजनों ने डीएम से मामले की शिकायत की। अलीगढ़ में सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश, बन्ना देवी थाना क्षेत्र में एक मंदिर में मूर्तियों को खंडित किया गया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। नोएडा में पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई, अवैध शराब के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। चंदौली में आरपीएफ की मेरी सहेली टीम का छापा, मकान से छुड़ाए गए 34 नाबालिग बच्चे, मौके से 2 गिरफ्तार, झारखंड के रहने वाले हैं सभी नाबालिग। लखनऊ के ठाकुरगंज थाने के दारोगा गोरखनाथ चौधरी लाइन हाजिर, फरियादी से पैर दबाने का वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। बहराइच में राष्ट्र ध्वज तिरंगे के अपमान पर बंद की गई है दुकान, बच्चों के ड्रेस में इस्तेमाल किया जा रहा था तिरंगा। मस्ती में हॉरर किलिंग का खौफनाक सच, बहन के साथ प्रेमी को भाइयों ने उतारा मौत के घाट, 27 अगस्त को प्रेमी का मिला था शव, 3 आरोपी भाई गिरफ्तार। में मूसलाधार बारिश के बाद लगा जाम, कालिंदी कुंज बॉर्डर पर लगा है लंबा जाम, डीएनडी और चिल्ला बॉर्डर पर भी कई किलोमीटर जाम। उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश से हाहाकार मचा, उत्तरकाशी में कई मार्ग बंद, रुद्रप्रयाग की सड़कों पर बुरा हाल, देहरादून में मलबे में दबकर बच्चे समेत 3 लोगों की मौत। सरकार का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात को 25 अरब से 120 अरब डॉलर ले जाने का